बिस्मिल्लाह रहमान रहीम, अस्सलाम वालेकुम। आज मैं बनाऊंगी चुकंदर का जूस और आपको बताऊंगी कि आप इसको घर पे कैसे बहुत ही आसानी से बना सकते हैं और बहुत ही ज़्यादा मज़ेदार बना सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले क्या किया, मैंने ये चुकंदर लिए हैं, ठीक है, इनको वॉश करके रख दिया है। और साथ ही साथ मैंने क्या किया कि दो एप्पल्स ले लिए हैं और इनको भी वॉश कर लिया। अभी आपने इनको पील ऑफ करके तो इनको कट कर लेना है। तो ये देखिए मैंने कट कर लिए हैं चुकंदर भी और साथ साथ एप्पल भी। बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं, आप ज़रूर बना के इसको पिएगा। ब्लड के लिए बहुत ही अच्छा है, स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा अच्छा है, बहुत ज़्यादा फ़ायदे हैं इसके। तो इसको आप ना जूसर में डाल दें, मैंने दोनों डाल दिए हैं। और साथ ही साथ ना मैंने तकरीबन 1 कप जो है ना वो पानी डाल दिया और इसका मैंने जूस बना दिया। अच्छा, अब स्ट्रेन कर लेना है आपने इस जूस को। तो इसको मैंने स्ट्रेन करके एक जग में निकाल दिया और साथ ही ये जो दो लेमन्स है इसको स्क्वीज़ करके आपने डाल देना है जूस में, जिससे वजह से इसका फ्लेवर बहुत ही ज़्यादा मज़े का हो जाता है और पीने में बहुत ज़्यादा अच्छा लगता है। आप इसे ज़रूर पिएगा और मुझे बताइएगा कि आपको कैसा लगा और आप इसको कैसे बनाते हैं। स्किन के लिए ज़रूर इसको पिएगा, स्किन आपकी बहुत ही ज़्यादा अच्छी हो जाएगी और ब्लड के लिए तो ये बहुत ही ज़्यादा अच्छा है। तो इसे पी के देखिएगा और मुझे ज़रूर बताइएगा कि आपको कैसा लगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग। अल्लाह हाफिज़।